हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और नवरात्र स्टार्ट हो चुके हैं, तो नवरात्र में हम बनाने जा रहे हैं नवरात्र की थाली। और इसमें हम सबसे पहले टोमेटो को कट करेंगे और हरी मिर्च को। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ले लिए हैं टोमेटो, टोमेटो को हमें कट करना है। और नवरात्र में कौन कौन सी रेसिपी आप बनाना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमने टोमेटो को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये जो सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं हम लोग टोमेटो की और आलू की, बहुत ही सिंपल है लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। और व्रत की जो सब्ज़ी होती है वो बहुत इजी होती है, बिना मसाले की होती है, लेकिन उसका टेस्ट जब आप व्रत में बनाते हैं तो लाजवाब आता है। तो हमने धनिया कट कर लिया है, ये हमने अदरक ले ली है, इसका जो छिलका है उसे हमने हटा दिया है। और इसको खलबट्टे में हमें कूटना है। इसके साथ हमने हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरीके से कूट लेंगे, कूटने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये रेडी हो चुका है। अब हमने ले लिए हैं आलू, और ये 5-6 आलू लिए हैं, और इसको हमने बॉईल कर लिया है, ठंडा कर लिया। अब इसको हम पील कर लेंगे। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनेगी, देखिएगा आप इसे जो है बनाते होंगे, लेकिन मेरे स्टाइल में बना के देखिए, आपको पसंद आएगा। तो ये हमने आलू को छील लिया है, इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये रेडी हो चुका है। अब हमने ले ली है एक कढ़ाई, कढ़ाई को हम पहले गरम कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे देसी घी, क्योंकि हम व्रत वाला बना रहे हैं तो इसे हम घी में बनाएंगे। तो घी हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है, और ये जो हमने जिंजर कूट के रखा था उसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमें इसे भुनना है, उसके बाद हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे, इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे। अब इसमें हम करी पत्ता ऐड करेंगे। करी पत्ता बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, तो अगर आप खाते हैं व्रत में तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं खाते तो अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें हम चॉप किया हुआ टोमेटो ऐड कर देंगे। इससे जो है फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये सिंपल बन रहा है, काफ़ी सिंपल सब्ज़ी होती है व्रत वाली, तो करी पत्ता ऐड करने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें हम सेंधा नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अब अच्छी तरीके से हमें भूनना है, और इसको कवर करके अगर आप भूनते हैं तो बहुत जल्दी से ये गल जाते हैं। तो टमाटर हमारे गल चुके हैं, अब इसमें हम 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो ये टमाटर था वो अच्छी तरीके से गल चुका है। अब इसमें हमें ऐड करना है बॉईल किए हुए आलू, और आलू जो है अब इसमें आप चाहे तो फोड़ के हाथों से ऐड कर सकते हैं या कट करके ऐड कर सकते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा जो है फोड़ भी देंगे, जिससे इसकी जो ग्रेवी होगी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, अच्छी बनेगी। तो सारे आलू हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे अच्छी तरीके से भुनना है, और जब तक हमारी सब्ज़ी भुन रही है कवर करके, तब तक हम आटा तैयार कर लेते हैं पूड़ी का। तो हमने बॉईल किए हुए 3 आलू लिए हैं, इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से जो आटा है काफ़ी अच्छा तैयार हो जाता है। तो अब हमने ले लिया है 1/2 कप कूटू का आटा। मैं दोनों आटों को मिक्स करके बनाऊंगी, तो 1/2 कप हमने कूटू का आटा लिया है, और अब हम 1/2 कप लेंगे सिंघाड़े का आटा। आप कोई एक आटे से भी पूड़ियाँ बना सकते हैं, लेकिन मैं दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें जो हमने आलू रखे थे वो थोड़े से अलग कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना होगा। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही आलू इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें हम ऐड करते जाएंगे आलूओं को, और इसका जो आटा है वो तैयार कर लेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हथेलियों से अच्छी तरीके से मैश करना है। तो ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और आलू भी जो है काफ़ी हद तक कुक हो चुके हैं। अब इसमें हमें पानी ऐड करना है। हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसको हमने कवर कर लिया है 2 मिनट के लिए, और इसके बाद हम इसको आलू जो थे उसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिससे इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे हरा धनिया। तो ये हमारी झोल वाली सब्जी बन के तैयार हो गई है, जो हम व्रत में खाते हैं, काफ़ी अच्छी टेस्टी बनती है। अब ये जो हमने आटा तैयार करके रखा था पूड़ी का, अब हम पूड़ियाँ बना लेंगे। तो ये देखिए छोटे छोटे हमने जो है लोई काट लिए पेड़े के बराबर, और
ये जो है काफ़ी लोगों को टफ़ लगता है, तो इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और ये कोई भी बना सकता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको हल्के हल्के हाथों से आपको पहले बेलना है। जब आपकी पूड़ियाँ बन जाती है तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि ये हम निकालते हैं तो टूट जाता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक है। आप कोई भी नाइफ लीजिए और फिर आपको इसे कट लगा देना है, जैसे हमें कट करते हैं चारों तरफ से, वैसे ही हमें पूड़ियों के चारों तरफ कट लगा देना है। इससे आपकी पूड़ियाँ बहुत ही आसानी से निकल जाएंगी। और अगर आप राउंड शेप नहीं दे पा रहे हैं तो आप किसी भी राउंड शेप ग्लास से, कटोरी से, किसी से भी से आप कट लगा सकते हैं, तो आपकी पूड़ियाँ एकदम शेप में रहेंगी। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही बेल रही हूँ, ऑयल गर्म हो चुका है और इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये पूड़ियाँ जो हैं बहुत ही अच्छी बनती हैं, जब आप इसमें पानी थोड़ा सा भी ऐड नहीं करेंगे तो आपकी जो पूड़ियों का कलर होगा वो बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत ही अच्छी फूलेंगी। तो देखिए हमारी गर्मा गर्म फुली फुली पूड़ियाँ बन के हो गई हैं तैयार। तो आप भी इस नवरात्रि में ज़रूर बनाइएगा मेरे स्टाइल से इस पूड़ियों को। बहुत ही सिंपल तरीका है और सारी इस ट्रिक को देखने के बाद आपको पूड़ी बनाना बहुत ही ईजी लगेगा। तो ये देखिए हमारी पूड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी है और हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब इसमें ऊपर से हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, दही हमने ले लिया है और इस दही में हम ब्राउन शुगर ऐड करेंगे और ब्राउन शुगर बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, तो हमने इसमें ब्राउन शुगर ऐड किया और ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनके हो गई तैयार। तो इस नवरात्रि में इस थाली को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ।